हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उबरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। आज मैं दोस्तों ये बता रही हूं कि कुछ पाकिस्तानी सोढ़ा राजपूत हैं, उनको वीज़ा मिलने में दिक्कत हो रही है, तो वो अपने परेशानी बता रहे हैं। पाकिस्तानी रिपोर्टर जो है सुमाइला खान, वो भी बता रहे हैं कि सोडा राजपूत जो है उनको परेशानी होती है वीज़ा लेने में, क्योंकि उन लोग का जो रिश्ता होता है, उन लोगों का जो शादी ब्याह होता है, लड़के का हो या लड़की का हो, वो राजस्थान में या भारत के राजपूतों के साथ होता है, क्योंकि वहाँ पर जो राजपूत हैं उनके पाकिस्तान में वो सब भाई बहन हैं। इसीलिए हिंदुओं में भाई बहन के रिश्तों में शादी नहीं होती है, उसमें खानदान देखा जाता है, पुश्त देखा जाता है, पीढ़ी देखा जाता है, बहुत तरह का मेल मिलावट के बाद कुंडली के बाद शादी होती है। सात पुश्त में नहीं हुआ होगा कोई रिश्ता, सात पुश्त इसका नहीं होगा, किसी का मूल गोत्र बहुत चीज देखा जाता है। इस देखने के पीछे भी कारण होता है कि कहा जाता है, अब इसमें साइंटिफिक सही है कितना वो पता नहीं है मुझे, कहा जाता है कि अपने खून से शादी करने से बच्चे का अपंग होने की संख्या ज़्यादा रहता है। इसीलिए खून से अलग, अपने रिश्ते से अलग, दूर में शादी करना आदमी पसंद करता है। और दो खानदान का जो होता है उसकी जो अच्छाई होती है, खराबी भी आता है, लेकिन अच्छाई भी भी रहता है बच्चों में। इसीलिए इस कारण से हो या पहले पुराने समय से ही हम लोग के यहाँ हिंदू रिवाज ये है कि खानदान से दूर सात पुश्त तक कोई किसी से शादी नहीं कर सकता, एक दूसरे से सब भाई बहन का रिश्ता रहेगा। उसी तरह सोडा राजपूत का जो पाकिस्तान में था, जितने भी राजपूत हैं उनके अपने ब्लड रिलेशन है, इसलिए ब्लड रिश्ते में शादी नहीं हो सकती है। इसीलिए हिंदुस्तान के राजपूत के साथ वो लोग शादी करना चाहते हैं और बहुत ने यहाँ कर भी दिया। अभी क्या हो रहा है, वीज़ा प्रॉब्लम, वीज़ा उन लोग को नहीं मिल रहा है। एक बहुत दुखी होके भाई बोल रहे हैं कि उनका दो बार वीज़ा रिजेक्शन हो गया सो नहीं मिला है। एक और भाई का दर्द था कि उनके फैमिली यहाँ पर 5 साल से है, उनको 5 साल से वीज़ा नहीं मिल रहा है ताकि अपने बच्चे और फैमिली को देखने जोधपुर आ सकें। उनकी माँ भी गुजर गई फिर भी उनको वीज़ा नहीं मिला। कारण क्या है? पहले था कि 6 महीने का वीज़ा का था कि कहीं से भी आप अप्लाई करेंगे बन जाएगा, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट के उन्होंने बोला बीजेपी गवर्नमेंट की हुकूमत के बाद बीजेपी गवर्नमेंट जो हुकूमत है, हुकूमत के कारण ये है कि बहुत सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वो ऑपरेट करता था, इसके लिए यहाँ पर नियम कानून बहुत सख्ती से रखा जा रहा है। और दूसरा बात है कि ओवर स्टे कहने का मतलब, वहाँ पर जो हिंदुओं का जो पलायन का तादाद है हिंदुस्तान आने का, वो बढ़ रहा है। आखिर हिंदुस्तान भी इतना, इस यहाँ भी करोड़ों करोड़ आबादी है, मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, तो यहाँ पर भी कुछ सीमा, कुछ लिमिट होना चाहिए। लेकिन वहाँ पर भी हिंदुओं के साथ, हिंदू के पास घर नहीं है, वहाँ पर एजुकेशन नहीं है, लैक ऑफ एजुकेशन, प्लस वहाँ पर फियरिटी है, वहाँ पर आदमी का बहुत डर का माहौल भी है। जो कारण हो, हिंदू मुस्लिम जो भी कारण हो, या कन्वर्जन का हो, इस कारण से सब पूरा फैमिली वहाँ का वहाँ पलायन करके तीर्थ करने के लिए वो लोग आते हैं हरिद्वार, और वहाँ यहाँ से फिर जाते नहीं, यहीं रह जाते हैं, कहीं भी रहते हैं। इस तरह करके बहुत पाकिस्तानी जो है, जो वहाँ का है, क्या बोलते हैं, वहाँ से आके पलायन करके यहाँ पर, आप देखिए सिटी में एक एक जगह में, कहीं कहीं ग्रुप में, मंदिर में ही जगह उन लोग ने लिया, या कोई जगह में, यहाँ पर भी दिल्ली में भी मजनू के टीला के में बहुत विस्थापित पाकिस्तानी वहाँ पर आके
रह रहे हैं। बहुत क्या है जो यहाँ पर का जो है उनको शरण भी देते हैं कि आप अगर आ गए हो तो अपने फैमिली के साथ आप अपना तो घर वगैरह तो नहीं, और दूसरा बात है यहाँ पर वीज़ा तो उन लोग को अभी नहीं बना है यहाँ का, बट यहाँ पर आके उन लोग को थोड़ा सुकून मिलता है फाइनेंशियली, यहाँ पर वो आराम से कमा पाता है। यहाँ पर का डेली जो है जो रोजगार का है डेली वेजेज वो भी यहाँ पर अच्छा है, प्लस यहाँ पर महंगाई नहीं है, वहाँ पर महंगाई आसमान छू रहा है पाकिस्तान में, उस कारण से भी वो लोग भाग के वहाँ से निकल के यहाँ आ रहे हैं, तो उसी कारण ओवर स्टे हो रहा है इंडिया में। बीजेपी गवर्नमेंट भी सख्ती का कानून लाया है कि बॉर्डर पार से कोई भी छिटपुट कुछ आतंकवादी घटना हमारे देश में जो होता था वो बिल्कुल बंद हो गया, और 370 हटने के बाद और उसको हर बॉर्डर में और वीज़ा का कानून जो है बहुत सख्ती से लागू किया है। तो यही कारण है कि जो है वीज़ा कानून को सख्ती किया गया है, और कानून को अगर नरमी किया जाएगा तो कुछ भी वारदात हो सकता है। बॉम्बे वाला घटना आप देखिए, वहाँ पर पुलवामा वाला घटना देखिए, बहुत तरह का घटना का आशंका लगा रहता है। बॉम्बे में आप देखिए कैसे होटल में क्या कितना बड़ा ये हुआ था, तो इस तरह करके इस चीज़ को घटना नहीं हो उसके लिए जो है कानून को स्ट्रिक्टली लागू किया गया है, और वीज़ा नियम को भी स्पेशली पाकिस्तान से, बाकी तो वही हर जगह से ऑल ओवर वर्ल्ड से आदमी आता है कोई प्रॉब्लम नहीं, बस पाकिस्तान से थोड़ा स्ट्रिक्ट इसलिए किया गया है, नहीं तो अदरवाइज पहले जो था 6 महीने का था। अभी खुद बोल रहे हैं कि जयपुर के जो गवर्नर थे सिंह, मिस्टर सिंह, उन्होंने 6 महीना का कर दिया था, क्योंकि ये प्रॉब्लम तो है सोडा राजपूत को, क्योंकि वहाँ पर से आके वो शादी का व्यवस्था करेंगे तो सही उन्होंने बोला कि शादी करने के बाद मैचिंग देखने के लिए, लड़का लड़की देखने के लिए, शादी की तैयारी करने के लिए समय तो चाहिए ही, शादी तो एक दिन का मसला नहीं है, उसकी तैयारी सारा कुछ करना तो बहुत एक लंबा प्रोसेस है, अरेंज मैरिज करके वहाँ से आके लड़के को लाना या लड़की को लाना, यहाँ पर लड़की देखना, फिर दोनों को बातें करना, फिर रिचुअल होना, बहुत सारा काम है, तो इस ये तो सिंपल नहीं है। तो यही कारण है ओवर स्टे का कारण है कि वहाँ पर बेरोजगारी, वहाँ पर महंगाई, वहाँ पर कन्वर्जन, वहाँ पर लैक ऑफ एजुकेशन, वहाँ पर घर का होमलेस मैक्सिमम, तो इन सब के कारण यहाँ आ जा रहे हैं। यहाँ अच्छा वेजेज मिल जा रहा है, प्लस यहाँ पर बच्चे में डर भी नहीं है, बच्चे भी पढ़ने, लड़कियाँ भी पढ़ने जा रही है, तो ये सब के कारण वहाँ से जो मैक्सिमम हिंदू तीर्थ के नाम से जो वहाँ से निकलते हैं वो यहीं पर आके विस्थापित हिंदू पलायन करके वहाँ से आते हैं, यहाँ पर रह जाते हैं, तो इसके कारण ओवर क्राउडेड हो गया है। इस तरह आप देखिए बहुत म्यांमार से भी होके नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे हैं, बांग्लादेशी बहुत नॉर्थ ईस्ट में है, तो इतना हमारा कंट्री इतना विस्थापितों का बोझ, आप देखिए अफगानिस्तान ही है यहाँ पर, तो बहुत का बोझ उठा रहे हैं। इस कारण से वीज़ा नियम को कड़ा किया गया है, कानून को टाइट किया गया है, ताकि जो है कोई ऐसा वैसा वारदात नहीं, और कोई भी, और जहाँ तक कि का है उधर गुरुद्वारे के साइड में आना वो तो लिमिटेड है, 2 दिन एक दिन का मिलता है, वो तो कोई बड़ी बात नहीं। तो इस तरह आप देखिए मैंने एक कवर किया है कि जो उनका समस्या है वहाँ पाकिस्तानी जो सोडा राजपूत जो हिंदू हैं कि क्या परेशानी है वीज़ा नहीं मिलने पर, उस पर सुमाइला खान का भी रिपोर्ट देखिए। लौते भाई हैं, उनकी सारी बहनों की शादियां इंडिया की रियासत राजस्थान के मुख्तलिफ शहरों में हुई हैं, जिनसे आखिरी बार मिलने वो 4 साल पहले इंडिया गए थे, जिसके बाद 2 बार उनका इंडियन वीजा रिजेक्ट किया जा चुका है। इंडियन एम्बेसी ने काफी लोगों को ब्लैकलिस्ट किया है, वो ब्लैकलिस्ट करने की वजह है ओवर स्टे। अब वो ओवर स्टे उसी चीज को कह रहे हैं जो 6 महीने की एक्सटेंशन उन्होंने खुद दी थी। अब कोई भी विदाउट वीजा तो स्टे नहीं करेगा। देखिए काफी बॉर्डर्स तो खुल भी रहे हैं, जैसे लाहौर है, करतारपुर है, उनके जो रिलेशंस हैं वो रिलीजियस रिलेशन है, हमारे तो ब्लड रिलेशंस हैं, तो हमें वीजा और इजी मिलना चाहिए।
ये पाकिस्तान में सिंध का इलाका उमरकोट है, जो इंडिया की बॉर्डर से 60 किलोमीटर की दूरी पर है। उमरकोट समेत पाकिस्तान के दो और डिस्ट्रिक्ट सांगढ़ और थरपारकर में हजारों सोढ़ा राजपूत बसते हैं। सोढ़ा राजपूत आपस में शादियां नहीं कर सकते, जिसकी वजह से दीगर राजपूत कबीलों में शादियों के लिए इंडिया आना जाना इन लोगों की मजबूरी है। कुलदीप कैसा है? कुलदीप प्रिया कैसे है? गणपत सिंह को जोधपुर में रहने वाले अपने बीवी बच्चों से मिले 5 साल हो गए हैं। 2017 में अपने मरहूम भाई के बच्चों की शादियों के बाद वो पाकिस्तान आ गए थे। बाद में उनका वीजा ब्लॉक हो गया। कैंसर की शिकार उनकी मां ने पिछले साल इंडियन हाई कमीशन से गणपत को ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर वीजा देने की वीडियो अपील की, जिसके एक हफ्ते बाद वो इस दुनिया से चल बसी। मैं मजबूर था, मैं लास्ट वो वीडियो आई थी उससे मैं रोया। मेरे एक हफ्ते की वीजा मेरे को दे दें ताकि मैं कम से कम जाके मेरी माँ से मिलूं, लेकिन मिल नहीं पाया। सोडा राजपूतों का कहना है कि इंडिया में एक मखसूस शहर का 30 से 40 दिन का वीजा उनके लिए ना काफी है, क्योंकि मुमकिन जोड़े बनाने और शादियों के लिए वक्त चाहिए होता है। वाज़ेह है कि राजस्थान के साबिक गवर्नर एसके सिंह ने 2007 में सोडा राजपूतों को 6 माह वीजा एक्सटेंशन की इजाजत दी थी। 10 साल तक ये एक्सटेंशन दिल्ली के बजाय लोकल फॉरेन रेजिडेंट रजिस्ट्रेशन ऑफिस FRRO से मिल जाती थी। इंडिया में BJP की हुकूमत आई तो पाकिस्तान के सोढ़ा राजपूतों के आखिरी विजिट को इलीगल करके उन्हें ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया। अब क्या हुआ है कि जैसे BJP की गवर्नमेंट आई, इन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर तो जाने देते हैं, पर क्योंकि जो लोगों ने वीजा दिल्ली में नहीं बढ़ाई है और इन स्टेट्स के अंदर ही वीजा बढ़ी हुई है, तो व्हेन दे केम इन थ्रू द देयर होम मिनिस्ट्री एंड देखा उन्होंने कि ये क्या है, तो उन सबको बैन कर दिया, ब्लैक लिस्टेड कर दिया। नाउ देयर आर 900 माय फैमिली सोडा फैमिलीज हु आर ब्लैक लिस्टेड। एक दूसरे से मिलने की सहूलत होना ये बुनियादी हक है। पाकिस्तान इंडिया पीपल्स फोरम फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी से वाबस्ता अनीस हारून के ख्याल में आम सोढ़ा राजपूतों के इंडियन वीजे ब्लॉक किया जाना एक इंसानी मसला है, जिसे फौरी हल किया जाना चाहिए। असल लड़ाई झगड़ा तो हुकूमतों के दरमियान है, लोगों के दरमियान नहीं है। और इसमें मेरा ख्याल है कि UN को भी इंटरवीन करना चाहिए कि ये तो एक इंसानी मसला है, तो आप इन पर पाबंदी नहीं लगा सकते। एक आप इदारा बना दें जो कि एक मामूली सी जो पूछगछ होती है तरीका होता है, वो तस्दीक करने के बाद इन्हें आने जाने की इजाज़त जो है वो दे दी जाए। मेरा ख्याल है इस पर किसी को कोई एतराज़ नहीं होगा। पाकिस्तान में रहने वाले सैकड़ों सोढ़ा राजपूत खानदान बार बार इनकार के बावजूद इस उम्मीद के साथ इंडियन हाई कमीशन से रुजू कर रहे हैं कि शायद उनकी सुनवाई हो जाए। BBC ने भी इस मुद्दे पर पाकिस्तान में इंडियन हाई कमीशन और इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से कांटेक्ट किया, लेकिन कोई रिस्पांस ना आया। शुमाइला खान, BBC न्यूज। पूरा वीडियो आप पूरा देखिए, और अगर आपको अच्छा लगे, सही लगे, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और पूरी वीडियो पूरी देखिए। लेकिन तो उससे आपको पता चलेगा, आधी अधूरी देखने से क्या है, आपको कंक्लूजन पता नहीं चलेगा, निष्कर्ष क्या है वीडियो का वो पता नहीं चलेगा। तो कंक्लूजन क्या है वो देखने, वो पूरी वीडियो देखिए। तब तक इतना है, फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।